नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारत के दो दुश्मन देशों में जो सबसे पहला नाम आता है वो है पाकिस्तान का, और जो दूसरा देश है उसका नाम है चीन। लेकिन आखिर क्यों क्यों चीन भारत के साथ साथ बाकी के अन्य देशों में भी अपनी छवि को खराब कर बैठा है? ऐसा चीन ने क्या किया है जिससे वो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने में तो सफल हो गया, लेकिन ये छवि सकारात्मक नहीं नकारात्मक है। इसके पीछे की वजह है चीन की शातिरगिरी, चीन का पूरी दुनिया में फैला मायाजाल। माया मतलब पैसा, और चीन ने सिर्फ अपने पड़ोसी देशों तक नहीं बल्कि दूर दूर तक के देशों तक पैसे के बल पर अपने हाथ पहुंचाने की कोशिश की है, और वो काफी हद तक इसमें सफल भी हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो चीन ने दुनिया भर में पैसों का ऐसा जाल बिछाया है जिसे लेते वक्त तो देशों ने सोचा नहीं कि इस कर्ज को वापस भी देना पड़ेगा, और अब जब वापस नहीं दे पा रहे हैं तो चीन हथियाएगा इनकी जमीनें। सोचिए, किसी और देश की जमीन चीन के कब्जे में, और ऐसे कोई एक या दो देश नहीं है जिन्होंने चीन से कर्ज लिया हुआ है, बल्कि ऐसे कई देश हैं जो चीन के इस जाल में कुछ ऐसे फंस गए हैं कि अब बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है। इसे विकास के लिए पैसा चाहिए, और देने के लिए चाइना तो है ही, क्योंकि चाइना के पास अपार पैसा है। तो श्रीलंका ने कई बिलियन डॉलर्स का चाइना से कर्ज ले लिया, जो कि लेना तो आसान था, और उससे श्रीलंका ने अपने देश का विकास किया भी, जैसे गगनचुंबी इमारतें बनाई, राजमार्ग बनाए, हवाई अड्डे बनाए और कई बंदरगाहों का भी निर्माण किया। देश ने चीन से लिए पैसे से काफी विकास किया और अपने देश को समृद्ध बनाने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन कुछ सालों बाद जो पैसा श्रीलंका ने चाइना से लिया था वो तो ब्याज पर था, और ब्याज के साथ साथ मूल भी तो लौटाना था। लेकिन श्रीलंका अब चाइना के कर्ज के बोझ तले इस कदर दब गया है कि उसे उस पैसे के बदले चाइना को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, वही सब जो उसने चाइना से कर्ज लेकर बनाया है। और आखिरकार श्रीलंका को चीन से लिए कर्ज के बदले अपने घर का एक टुकड़ा चीन को सौंपना पड़ा। यही है चाइना के पैसों का जाल जो दूर दूर तक फैला हुआ है। फिर बात करते हैं पापुआ न्यू गिनी की, जिसे चाइना ने $2 बिलियन का कर्ज दिया गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करने के लिए, कई तरह के अन्य ढांचे और बंदरगाह बनाने के लिए। लेकिन ये कर्जा वापस कैसे कर पाएगा ये देश, कैसे चाइना के इस भारी भरकम लोन का ब्याज भी चुका पाएगा पापुआ न्यू गिनी? सिर्फ एक चीज दे सकता था, वो था चाइना को अपने देश का कंट्रोल दे देना। पापुआ न्यू गिनी का पूरा कंट्रोल चाइना के हाथ में जा चुका है, और इसके बाद ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसके बाद मालदीव्स, पाकिस्तान, मलेशिया, लाओस, कजाकिस्तान, मंगोलिया, इजिप्ट, केन्या और साउथ अफ्रीका, ये कई ऐसे देश हैं जो चीन के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। इन सभी देशों के साथ चीन सिर्फ एक ही चीज कर रहा है, वो है मदद। लेकिन किस लिए, ये चीन जानता है, और अब तो दुनिया भी समझने लगी है चाइना पूरी दुनिया पर अपने पैसे के बलबूते पर अपना कंट्रोल चाहता है, या फिर एक ऐसा जाल बुनना चाहता है जिससे किसी न किसी तरह हर देश कैसे भी उसके नियंत्रण में आ सके। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जिन भी देशों के विकास के लिए चीन ने पैसा दिया है, जैसे कि राजमार्गों के लिए, बंदरगाहों के लिए और पुल निर्माण के लिए, वो चीन से ऐसे जुड़ते हैं, चाहे फिर वो समुद्र के रास्ते जुड़े हों या फिर जमीन के रास्ते, कि वो एक ब्रिज से भी ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है, एक नई सिल्क रोड। और फिर चीन ने हर देश में मेड बाय चाइना तो पहुंचा ही दिया है, आप चाहें या नहीं चाहें, लेकिन फिर भी आपको मेड इन चाइना या मेड बाय चाइना प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं, और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि लगभग हर देश में है। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब मेड बाय चाइना या मेड इन चाइना ओन्ड बाय चाइना हो जाएगा। किसी भी देश के निर्माण के लिए मदद करना अच्छी बात है, लेकिन एक भारी भरकम कीमत पर, वो भी चाइना से ली हुई, ये किसी भी देश के हित के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि जब ये देश चीन से लिया कर्ज वापस नहीं कर पाते हैं तो फिर खो देते हैं अपने घर का एक अहम हिस्सा। अक्सर आप सबने कई पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाते देखा होगा, जहां वो अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि मुफ्त का खाना और मुफ्त की सवारी जैसी कोई चीज नहीं होती। तो बेहतर है कि हम अपने पैसे के लिए चिंतित हों और किसी से भी कर्ज लेने से बचें, फिर चाहे वो हमारा पड़ोसी हो या फिर पड़ोसी देश।
हम तो ये भी कहेंगे कि कर्ज देने से भी बचे। संभव है कि आप कर्ज दे भी बैठे लेकिन आप चाइना जैसे ना हो और अपना कर्ज निकलवाने के लिए आप दूसरों को दिक्कत ना दे पाएं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि आदमी को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी की उसकी चादर होती है, ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। तो भाई जब चीन जैसे देश के साथ डील करना हो तो फिर इसी कहावत को ध्यान में रखकर कोई समझौता करना चाहिए।